टीम इंडिया में फ्लॉप दौर से गुजर रहे ऋषभ पंत ने पहले ही वनडे में धमाका मचा दिया। जहां कोई भी खिलाड़ी टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा था, वहीं ऋषभ पंत ने 71 रनों की शानदार पारी खेली। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने अपनी इस पारी में 69 गेंदों में 71 रन बनाए और 7 चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया। आपको बता दें कि ऋषभ पंत 40वें ओवर की चौथी गेंद पर पोलार्ड की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लेग साइड पर खड़े हेटमायर ने उनका शानदार कैच पकड़ लिया और आउट होते ही आप ऋषभ पंत को भी देख सकते हैं किस तरह से नाराज हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी खेली लग रहा था कि वो आज शानदार शतक तो लगा ही देंगे, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि रोहित शर्मा 36 रन, केएल राहुल 6 रन और विराट कोहली 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ऋषभ पंत का बखूबी साथ दिया श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने 70 रन की शानदार पारी खेली। पिछले मैचों में ऋषभ पंत ने जो प्रदर्शन दिखाया उससे इस मैच में उनसे उम्मीदें तो कम थी, लेकिन जिस तरह की उन्होंने पारी खेली है यही लगता है कि अब टीम इंडिया में उनकी वापसी हो रही है। लेकिन आज की ये पारी खेलकर ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि उनमें भी दम है। आपको कैसी लगी ऋषभ पंत की ये पारी? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।